आपके ग्रुप में सिर्फ मिलियनेयर लोग आ सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि मिलियनेयर क्लब में क्यों आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी नाम बता दिए वहां पे जाएंगे लोग, उसको प्रॉफिट कैसे होगा, उससे कैसे वो अपना बिजनेस कैसे गेन कर पाएगा। तो ये पहला टूल जो है ये दरअसल मुझे बिजनेस देवे ना देवे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि आप उसको साइड में रखो। दोस्तों पांच ऐसे मैजिक जिसकी मदद से एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकता है, ये हमने रखे हैं BITV गोल्ड मेंबरशिप के अंदर। सारिका जी हमारे साथ में है और सारिका जी के साथ हम BITV गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर बात करेंगे। दरअसल वो हमसे प्रश्न करेंगी कि BITV गोल्ड मेंबर के बारे में जो भी उनके मन में प्रश्न आते हैं वो हमसे पूछेंगी और मैं उनका जवाब देने वाला हूँ। यस सारिका जी। सर सबसे पहला सवाल ये है, जैसे आपने जिक्र किया कि गोल्ड मेंबर, तो एग्जैक्टली ये BITV गोल्ड मेंबर ये चीज़ है क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या है ये? देखिए सारिका जी, एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली लॉजिकली साइंटिफिकली अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके, इसके लिए हमने कुछ 5 एक्टिविटीज़ पर काम करना शुरू किया है और ये 5 एक्टिविटी का समन्वय हम उसको देते हैं जो BITV का गोल्ड मेंबर बनता है। अब ये 5 एक्टिविटी क्या है, तो पहली चीज तो हम बिजनेस ओनर जो गोल्ड मेंबर बनता है BITV का, उसको उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हम हर महीने वीडियो बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने द मिलियनेयर क्लब करके एक क्लब बनाया है, द मिलियनेयर क्लब, उस क्लब का फ्रेंचाइजी ओनर उसे बना देते हैं। अब ये नंबर 2 हुआ। नंबर 3, इस क्लब में, इस क्लब की मीटिंग हर 15 दिन में होती है और हर 15 दिन में इसमें एक मिलियनेयर को इनवाइट किया जाता है, उस मिलियनेयर का वीडियो हम उसको बना के देते हैं, यानी कि हर महीने में 2 मिलियनेयर के वीडियो हम उसको बना के देते हैं। ये तीसरा चीज। चौथी चीज ये है कि एक बिजनेस ओनर को मेंटर की जरूरत होती है, तो हम उसको हर महीने 5 घंटे की मेंटरशिप देते हैं, हर महीने 5 घंटे की, 4 चीज होगी। और पांचवी चीज, हम जो गोल्ड मेंबर हमारे साथ में जुड़ा है उनके साथ में किसी 4-स्टार होटल में, 5-स्टार होटल में, देश के किसी एक हिस्से में हम उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 5 चीजों का हमने एक 5 एक्टिविटीज का एक समन्वय किया है BITV गोल्ड मेंबर में, जिसकी मदद से एक बिजनेस ओनर जो है वो अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकता है। दिस इज व्हाट BITV गोल्ड मेंबरशिप। ओके ठीक है, आपने 5 ये एक्टिविटी के बारे में बताया सर, लेकिन एक्सपीरियंस वीडियो जो है आप, मैं जानना चाहूँगी कि ये लॉजिकली, मतलब ये किस हिसाब से वो किसी एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी बिजनेस ओनर्स के लिए कैसे वर्क करेगा, उसको प्रॉफिट कैसे होगा, उससे कैसे वो अपना बिजनेस कैसे गेन कर पाएगा। परफेक्ट। सो मैं अभी तो BITV चैनल चलाता हूँ सारिका जी, लेकिन 2018 से पहले करीबन 10 साल तक मैंने फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम किया है। मैं कस्टमर के पास जाता था और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं कस्टमर के पास जाता था और किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस उसके साथ में शेयर करता था, कोई एक कहानी उसके साथ में शेयर करता था, कोई एक्सपीरियंस कोई कहानी उसके साथ शेयर करता था और उसको सुनकर वो मेरे प्रोडक्ट को लेने के लिए कन्विंस हो जाता था। यानी कि कोई एक कहानी, कोई एक एक्सपीरियंस उसको बताया और उसको सुनकर, और ऐसा बोलते भी हैं कि बिजनेस इज नथिंग बट स्टोरी टेलिंग, बिजनेस इज नथिंग बट स्टोरी टेलिंग, आप कुछ ना कोई, कोई ना कोई कहानी सुनकर वो प्रेरित हुआ आपसे और आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक कस्टमर से एक कहानी बोली, एक एक्सपीरियंस बोला और फिर वो बात वहीं के वहीं खत्म हो गई, आपका वो कस्टमर बन गया, क्यों ना उस एक्सपीरियंस का एक वीडियो बना लिया जाए और वो एक्सपीरियंस का वीडियो प्रोफेशनली एडिट करके एक चैनल पर पब्लिश कर दिया जाए। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप हजारों लोगों को भेज सकते हो, लाखों लोगों को भेज सकते हो। अब अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो इसको लोग दिन में भी देख रहे हैं, रात में भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। और वो वीडियो को जब एक आदमी ने सुना तो वो आपसे प्रभावित होकर आपका प्रोडक्ट बाय किया। अगर उस वीडियो के अंदर आपका नाम, नंबर और सारा डिटेल लिखा हो तो अगर कोई प्रभावित होता है तो आप रात में सोए हुए हो तो भी आपको सुबह फोन कॉल आ जाएगा, ना ही सिर्फ इंडिया से बल्कि आउट ऑफ इंडिया से भी फोन आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है, जो हमारे साथ में काम कर रहा है, ये जो भी चीज़ें हमने की है सब एक्सपीरियंस के हिसाब से की है। आज BITV चैनल इतना प्रचलित है, वीडियो के द्वारा ही प्रचलित है। तो एक एक्सपीरियंस वीडियो जो है
वो एक व्यक्ति को हजारों लाखों लोगों तक लेके जा सकता है और उसमें से सैकड़ों उसको जो है कस्टमर्स आ सकते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि हर महीने एक वीडियो बन रहा है, एक वीडियो मतलब कि मेरा सुपर पावर जो दिन और रात और देश के बाहर काम, मेरा सुपर पावर। तो हर महीने मेरे कई सारे सुपर पावर बनते जाएंगे। तो कैसे ये मेरे बिजनेस को स्मार्टली साइंटिफिकली जो है वो एक अलग लेवल पे धीरे 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 लेके जाने का काम कर रहा है। तो ये पहला टूल जो है ये दरअसल मुझे बिजनेस देवे ना देवे, लेकिन इमीडिएटली जो काम हुआ वो मेरा ब्रांडिंग का काम हो रहा है। बिजनेस देवे ना देवे, राइट, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि आप उसको साइड में रखो, लेकिन ब्रांडिंग तो हो गया। लोगों को मेरा, मैं एज अ बिजनेस ओनर लोगों को पता तो चल गया, नंबर वन चीज तो हो गई। दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ फर्स्ट मैजिक ऑफ यू नो बीआईटीवी मेंबर, गोल्ड मेंबर। ओके ओके सर, आपने पांच एक्टिविटी बताई थी, चलो ये तो समझ में आ गया एक्सपीरियंस वीडियो किस हिसाब से वर्क करेगा। दूसरा आपने नाम लिया था कुछ द मिलियनेयर क्लब, राइट, तो द मिलियनेयर क्लब ये क्या चीज है और ये कैसे काम करेगी सामने वाले के लिए? देखिए, मेरा जो कुछ भी हमने बनाया है सब पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है। एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको प्रोस्पेक्ट की जरूरत है, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट की जरूरत, जिसके लिए वो क्या करता है, वो सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन करता है, जैसे BNI हो गया या रोटरी क्लब हो गया या लाइंस क्लब हो गया, ऐसे सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन करता है जहाँ पर उसे जो है वो मेंबर्स मिलते हैं। मैंने भी ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने क्या देखा कि इन ग्रुप्स का हम जाकर मेंबर बन जाते हैं, एक सिंगल मेंबर, उस सिंगल मेंबर की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है वहां पर, कंपेयर टू उस ग्रुप का जो लीडर होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है उस ग्रुप का लीडर लेके जाता है। मेंबर्स को तो छोटा मोटा जो मिला सो मिला, यू नो। तो इसी चीज को समझकर हमने क्या किया, हमने द मिलियनेयर क्लब बनाया, एक ऐसा क्लब जिसमें सिर्फ मिलियनेयर लोग आ सकते हैं, और इस क्लब का फ्रेंचाइजी ओनर बना दिया किसको, हमारे गोल्ड मेंबर को, कि भाई आपके ग्रुप में सिर्फ मिलियनेयर लोग आ सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि मिलियनेयर क्लब में क्यों आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी नाम बता दिए वहां पे जाएंगे लोग। मिलियनेयर क्लब में जो व्यक्ति आता है उसको मेंबर बनने के लिए नहीं बुलाया जाता, उसको एज अ स्पीकर बुलाया जाता है। कि सर आप एज अ स्पीकर आइए, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। तो लोग आते हैं, एक सक्सेसफुल व्यक्ति है तो वो लोगों को अपनी सक्सेस गाथा बताना चाहता है, वो उसका प्रॉब्लम है। एक फलों से लदा हुआ पेड़ जो है झुक जाता है, राइट, वो झुकेगा ही, वो उसका प्रॉब्लम है। वैसे ही सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी सक्सेस गाथा बताने के लिए आएगा। तो यहां पर एक सक्सेसफुल व्यक्ति जो मिलियनेयर है या फिर जो बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति है या फिर जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है अपनी लाइफ जर्नी बताने के लिए। अच्छा। तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ जर्नी बताने आता है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये तो मिलियनेयर्स का ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ मिलियनेयर और उसके जैसे लोग ही आते हैं, और इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं है। ओके। और जब भी मीटिंग होती है तो भी कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि मीटिंग किसी ना किसी के घर में होती है या ऑफिस में होती है। ओके। तो जब वो यहाँ पे अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताने आएगा तो वहां पे उसको बताया जाता है कि ये जो क्लब है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे सिर्फ मिलियनेयर लोग आते हैं, ये कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, सोशल सर्विस का प्लेटफॉर्म है। ओके। यहाँ पे ऐसे बच्चे जो रास्ते पे भीख मांग रहे हैं, ऐसे बच्चों को एम्पावर करने का ये इसका मिशन है। तो वो व्यक्ति वहां पे जुड़ जाता है, क्योंकि कोई खर्चा तो है नहीं, राइट, खाली आना ही है, और हर हफ्ते नहीं है, 15 दिन में एक बार मीटिंग होती है। तो द मिलियनेयर क्लब क्या करता है, सक्सेसफुल लोगों को उसके साथ में जोड़ता रहता है, हर 15 दिन में सक्सेसफुल व्यक्ति उसके साथ में जुड़ रहे हैं। अब कुछ समय के बाद में तो किसी को इनवाइट करना उसका प्रॉब्लम नहीं रह जाता, क्योंकि इतने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, हर किसी के पहचान का तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होंगे। तो कुछ समय के बाद तो उसको लाइन में लगाना पड़ेगा लोगों को, सर ठहर जाइए आप, अभी तो और 4 जन लाइन में लगे। सो दैट इज द पावर ऑफ द मिलियनेयर क्लब, है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट बना है ये बहुत सारे एक्सपीरियंस को होने के बाद में हमने इसको तैयार किया है। Okay. तो आपने देखा कैसे द मिलियनेयर क्लब गोल्ड मेंबर के साथ में लोगों को जोड़ने का काम करता है। Exactly. You know? So this is what the millionaire club is, जो इमीडिएटली लोगों को मेरे साथ में जोड़ता रहता है। एंड बिजनेस इज नथिंग बट आपके साथ में लोगों का अच्छा रिलेशनशिप है। Correct. और जब भी उनको जरूरत हो वो आपको अप्रोच करेंगे। Exactly, sir. So, yes. तो द मिलियनेयर क्लब जो आपने पूछा ये वो ग्रेट सर। तो आपने पहले तो बताया कि experience video, right?
फिर ये द मिलियनेयर क्लब है yeah. उसके बाद आपने वापस बोला था कि दो वीडियोस को जब बनाएंगे मिलियनेयर्स के तो वो क्या चीज है? देखिए क्या होता है कि एक मिलियनेयर को आपने बुलाया, ये फोर्टनाइटली मीटिंग होती है, महीने में दो मीटिंग होगी. तो जब कभी भी आप किसी मिलियनेयर को बुलाते हैं, मिलियनेयर आएगा, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेगा, उसका वीडियो जो है वो BITV पर पब्लिश होगा. BITV पर पब्लिश कैसे होगा? वो तो बात कर रहा है लेकिन उस वीडियो के नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को, अपने वीडियो को BITV के मंच पर आकर, मिलियनेयर क्लब के मंच पर आकर जो है अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बोलना चाहता है तो वो इस नंबर पर फोन करें. वो जो नंबर हमने दिया है वो नंबर एक्चुअली गोल्ड मेंबर का है. ओके. अब होगा क्या कि अब जितने भी दुनिया में क्योंकि देखो किसी भी मंच पर आकर बात करने की हिम्मत सक्सेसफुल व्यक्ति की होगी, जो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं उसकी हिम्मत नहीं होगी. तो अब उस व्यक्ति को सक्सेसफुल लोगों का फोन आना चालू हो जाता है कि सर आपका एक वीडियो देखा था. अब सक्सेसफुल व्यक्ति, जो मिलियनेयर व्यक्ति है, एक बिजनेस ओनर उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीना महीना भर वेट करता है. इंश्योरेंस एजेंट तो साल साल भर वेट करते हैं और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में भी वहां पे दो घंटा उसके पास बैठना पड़ता है, यू नो. लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि सक्सेसफुल लोग आपके पास आते हैं और अब आप सक्सेसफुल लोगों को कतार में खड़ा करोगे. ठीक है सर, आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, डेफिनेटली विल टेक योर इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, आपको जो है हम बताएंगे आपका नंबर जब आएगा. तो इस प्रकार से जो है अब इस व्यक्ति को हजारों फोन आएंगे, यू नो, सक्सेसफुल लोगों के. सो दैट इज द पावर ऑफ एवरी वीडियो. क्योंकि देखो सक्सेसफुल व्यक्ति का जब वीडियो बनेगा तो वो सक्सेसफुल व्यक्ति का वीडियो सबसे पहले कौन देखेगा? उसके जान पहचान के लोग, उसके कॉन्टेक्ट स्फीयर के लोग सबसे पहले देखेंगे, तो देखेंगे देखेंगे और वो सभी लोग सक्सेसफुल होंगे. क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति का कॉन्टेक्ट स्फीयर उससे हाई सक्सेसफुल लोग होंगे या उसके लेवल के होंगे, तो वो लोग सबसे पहले देखेंगे और वो लोग भी, क्योंकि ये गया है, वो लोग भी आना चाहेंगे. तो इस प्रकार से जो है ये वीडियो जो है उसको बहुत सारे लोगों से, यू नो, एक जादुई तरीके से बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से कनेक्ट करने का काम करता है. ग्रेट ग्रेट सर. उसमें आपने कुछ एक पॉइंट भी बताया था कि मेंटोरशिप भी आप कुछ प्रोवाइड करोगे या. तो ये मेंटोरशिप एग्जैक्टली किस तरह की मेंटोरिंग होगी? देखिए होता क्या है सारिका जी, ये जो सारा खेल है ना सक्सेस टूवर्ड्स द सक्सेस, ये खेल है कंसिस्टेंसी का. कंसिस्टेंसी, और एक जो चीज आपने जिस जगह पे हथौड़ा मारा, हथौड़ा जो है वो यहीं पे लगना चाहिए, कंसिस्टेंटली लगना, यहीं पे लगना चाहिए, कंसिस्टेंटली लगना चाहिए, लगना चाहिए. अगर ये हथौड़ा आज आप कंसिस्टेंट हो, लेकिन ये हथौड़ा आज यहाँ मार के कल यहाँ मारा, कंसिस्टेंट हो लेकिन यहाँ मार के फिर यहाँ मारा, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा. तो एक जगह पर हथौड़ा लगता रहे और कंसिस्टेंटली लगता रहे, यही काम मेंटरशिप में हम करते हैं. तो हम हर महीने क्या करते हैं, 5 घंटे सारे लोगों को जमा करते हैं, जूम पर जमा करते हैं, और उन्हें जो है सब चीज़ें जो है पूछते हैं उनसे कि आपका काम कैसे चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, आपने ऐसे किया तो नहीं, ऐसे करना था आपने, थोड़ा यहाँ मार दिया, यहाँ नहीं यहाँ मारना था, यू नो. तो ये हर महीने उनको कंसिस्टेंट लंबे समय तक रखने के लिए, यू नो, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट भी हैं और हथौड़ा गलत जगह पे मार रहे हो, दूसरी जगह पे मार, तो भी रिजल्ट नहीं आने वाला. तो यही काम जो है वो मेंटरशिप में हम करते हैं ताकि हम लंबे समय तक उनको बांध के रख सकें और उस एक्टिविटी को करवाते रहें करवाते रहें करवाते रहें, क्योंकि लंबे समय तक करेगा तो ही तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाट वी डू एंड इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और यहीं पर ज्यादातर बिजनेस ओनर मार खा जाते हैं. हम कुछ नया नहीं सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि वो इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग सिखाए, नहीं, यही 5 चीजें जो है वो उसको सिस्टमैटिकली देखते रहेंगे, सही कर रहा है नहीं कर रहा है, करवाते रहेंगे करवाते रहेंगे करवाते रहेंगे करवाते रहेंगे करवाते रहेंगे, कहाँ गलती हुई उसको बताएंगे, नहीं हुआ उसको थोड़ा डांटेंगे भी, राइट, यू नो. तो वो करवाना, वो करवाते रहना, दैट इज द जॉब ऑफ मेंटरशिप. ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट. काफी मतलब आप बहुत सारी मेहनत लेने वाले हो. और एंड में आपने कुछ बताया था सक्सेस स्टोरीज, सक्सेस सेलिब्रेशन, कुछ सक्सेस सेलिब्रेशन आपने बताया था, तो वो किस हिसाब से सक्सेस सेलिब्रेशन होगा? देखिए क्या है सारिका जी, कि आप कुछ काम कर रही हैं, आप काम कर रही हैं टुवर्ड्स द सक्सेस, आप काम कर रही हैं कर रही हैं कर रही हैं, करती जा रही हैं, यू नो. तो अगर आप करती जा रही हैं तो उसमें आपका ग्रोथ होगा, लेकिन मे भी हो सकता है कि आप जो है वो दो गुने से ग्रोथ कर रहे हैं. लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने जो सक्सेस हासिल की उसको सेलिब्रेट किया, भले आपको 100 सक्सेस हासिल करनी है लेकिन आपने 2 सक्सेस के बाद उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं,
अब वो जो सेलिब्रेशन है ना, वो सेलिब्रेशन जो है आपकी ताकत को आगे रिजल्ट निकालने में बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको। तो अगर आपने हर 3 महीने में हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, साल में 4 बार सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने क्या कर दिया कि सक्सेस सेलिब्रेशन को साल में 4 बार तोड़ दिया। 3 महीना काम करेंगे, नो वीडियो बन रहे हैं, मिलेनियर्स को बुला रहे हैं, मिलेनियर क्लब चल रहा है, पर्सनल वीडियो बन रहे हैं, मिलेनियर क्लब चल रहा है, पर्सनल वीडियो बन रहे हैं, यू नो मेंटरशिप हो रही है, ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। और 3 महीने के बाद जो भी मैंने रिजल्ट किया, 1 आया 2 आया, तो उसको सेलिब्रेट करेंगे, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और फिर वापस से काम पे लगेंगे और 3 महीना फिर काम करेंगे, जो भी रिजल्ट आया उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा, वहां से जो मुझे एनर्जी मिलेगी, वहां से मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा, वो मुझे और ज्यादा ताकत देगा, और ज्यादा शक्ति देगा मेरे बिजनेस। और इसमें क्या एक मजा भी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस को बिना हैप्पीनेस, बिना आनंद के कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप मुरझा जाओगे। और सही है बात ये सर कि जब भी कोई कुछ छोटी सी भी चीज करता है और उसका सेलिब्रेशन जब भी किया जाता है ना, तो उसका मोटिवेशन और 10 गुना बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये वर्क करता है छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और हर एंटरप्रेन्योर के लिए, एवरी पर्सन के लिए, हर ह्यूमन बींग के लिए। फिर वो गृहिणी भी हो, उसको भी अगर बताएंगे ना, तूने आज जो खाना बनाया एकदम बेहतरीन बनाया था, कल वो बनाने के लिए और एनर्जी के साथ और पैशन के साथ बनाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो ये फैक्ट है, ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हो सर आप। तो इतनी सारी चीजें जो आप करके दे रहे हो, ये 5-5 एक्टिविटी आप करवा रहे हो, तो डेफिनेटली उसके कुछ चार्जेस होंगे सर। तो सो डेफिनेटली सारिका जी, इसकी हमने फीस रखी है अभी। अगर आप इसको, मैं आपको सच बोलूं, मैंने BITV चैनल जब चालू किया और BITV चैनल चालू करते वक्त जो मैंने पहला प्रोफेशनल वीडियो बनाया, सारिका जी, मैंने उस पर 60,000 रुपीज़ का खर्चा किया था एक वीडियो बनाने का। मेरा पहला प्रोफेशनल वीडियो ऑफ BITV, आई स्पेंड 60,000 रुपीज़ ऑन दैट। कैन जस्ट इमेजिन, इसमें हम लोग 3 वीडियो महीने के बनाने वाले हैं, महीने में 5 घंटे की मेंटरशिप होने वाली है, 5-star 4-star होटल में सक्सेस सेलिब्रेशन होने वाला है, ये सब चीज़ें हमने जो समन्वय की है। तो हर महीने का हमने सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये फीस रखा है। 50,000 रुपया, वैसे तो मतलब चीजें आप बहुत बढ़िया करा के दे रहे हो सर, नो डाउट। लेकिन क्या है कि आप किसी को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, अगर उनके हिसाब से थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा अगर उसको फीस जो है उसमें अगर कुछ बेनिफिट सामने वाले को और दे पाओ, तो सामने वाले मेरे ख्याल से और इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर कुछ मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, तो कुछ अगर ऑफर है तो आप डेफिनेटली उसके बारे में बताइए। देखिए सारिका जी, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बिकॉज BITV गोल्ड मेंबर, ये प्रोजेक्ट हमने नया बनाया इन द सेंस, ये इसका पैकेज नया बनाया, ये सारी चीजें हम टुकड़े टुकड़े में कर रहे थे, अलग अलग एक एक चीज आके ये कर लो, ये सब चीजें हम पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, लेकिन इसको पैकेज में बनाकर एक 50,000 रुपया मंथली, ये हमने पहली बार शुरू किया। तो ये हमारा पैकेज प्रोग्राम जो है ये अभी शुरू हुआ है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि 30 लोग जो है वो हमारे साथ में जुड़े और इसको एक्सपीरियंस करें। तो हमने ट्रायल पैकेज बना दिया है, ट्रायल पैकेज बनाया है, और ये ट्रायल पैकेज सिर्फ 30 लोगों के लिए बनाया है हमने। और 30 लोगों को ट्रायल करने का जो हमारा ऑफर है, ये जो 50,000 रुपया महीने का जो फीस है, हमने ट्रायल पैकेज में 3 महीने के लिए इसको कर दिया 35,000 रुपया। अच्छा, 3 महीने के लिए, 3 महीने का आपका जो 1 महीने का 50,000 है, 3 महीना आप हमारे साथ में जुड़े रहिए सिर्फ 35,000 रुपये में। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। 3 महीना ट्रायल, जो चीज आपने बताई थी, एक वीडियो के लिए 60-65,000 आपने स्पेंड किए थे एक वीडियो के लिए, अब 3 महीने में उनके वीडियोज भी बनाओगे, उनका सक्सेस सेलिब्रेशन भी करोगे, मेंटोरिंग भी करोगे, उनको काफी सारा एक्सपीरियंस, क्लब भी होगा उनका, और इतनी सारी चीजें करोगे, तो उस हिसाब से मैं तो आपके दर्शकों को बताऊंगी कि इसका डेफिनेटली बेनिफिट ले, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। किसी भी एंटरप्रेन्योर को एक लेवल से दूसरे लेवल पे अगर जाना है तो स्ट्रगल डेफिनेटली करना पड़ता है सर। लेकिन ये पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म ऐसा सर ने क्रिएट किया है जहाँ पे आप आओगे तो ऑटोमेटिकली एलिवेटर की तरह आप ऊपर चले जाओगे। तो एक बहुत सिंपल फॉर्मेट में सर ने रेडी करके दिया है, जो आपको प्लेट में सर्व किया है, आपको सिर्फ लेना है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो आप। Perfect, मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी उस चीज के लिए। थैंक यू। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सारिका जी, कि आपके द्वारा जो है मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इस प्रोग्राम को जो है मैं हमारे दर्शकों तक
लेके जा सका हूँ। आपने भी मुझे यहाँ पे बुलवाया, मुझे वो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं भी थैंक यू सो मच। एक चीज मैं हमारे दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, देखिए अब आपको ये चीज जानकारी तो पता चल गई है कि हमने क्या ट्रायल पैकेज रखा है, और अब आपके मन में होगा कि आप हमारे साथ में संपर्क कैसा करना चाहते हैं। तो देखिए अभी भी आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे, हो सकता है आपके मन में कुछ प्रश्न हो जिसका उत्तर आप लेना चाहते हो। इसके लिए हमने 2 घंटे का एक वर्कशॉप रखा है, आप उस 2 घंटे के वर्कशॉप में आइए और इस प्रोग्राम को, आपके मन में और भी कोई प्रश्न है आप उन प्रश्नों को समझिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो ट्रायल पैकेज है ये सिर्फ 30 लोगों के लिए है। आप बोल सकते हैं कि ये 30 लोग जो है बहुत ही लकी लोग हैं जिनको ये ऑफर मिलने वाला है। तो आप ये जो हमारा 2 घंटे का वर्कशॉप है, इस 2 घंटे के वर्कशॉप में आइए और खुले दिमाग के साथ में आइए, और वहाँ पर आकर आप चीज़ों को समझिए और डिसीजन लीजिए कि आपको हमारे ट्रायल पैकेज में आना है कि नहीं आना है। तो अगली मुलाकात मेरी आपसे हमारे जो है वो वर्कशॉप में होगी, 2 घंटे के वर्कशॉप में। चलिए आपने हमारे इस वीडियो को देखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।